हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जायका विद फरहत। तो आज हम बनाने वाले हैं फिर से एक बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे अपने किचन में तंदूरी चिकन रोल्स, और बहुत ही इजीली और बहुत ही टेस्टी। तो रेसिपी शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से क्लिक कर दीजिए बेल आइकन पे ताकि आपको मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया 1/2 kg बोनलेस चिकन और इस तरह से स्ट्रिप्स में मैंने कट किया है। इसमें ऐड कर देंगे हम 1/2 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच ऐड कर देंगे लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच, और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ तंदूरी मसाला 2 चम्मच। अगर आपके पास तंदूरी मसाला ना हो तो आप इसमें सारे मसाले जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और काली मिर्च का पाउडर ऐड करें, और साथ ही में ऐड कर दें आप गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। 1 चम्मच ऐड कर देंगे नींबू का रस, 2 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे गाढ़ी दही, 1 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे कसूरी मेथी। मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को अच्छे से। 1 चम्मच हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें ऐड कर देंगे, इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसे हम रख देंगे 1/2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर में ताकि अच्छे से मैरिनेट हो जाए। आप चाहे तो इसमें रेड फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं ताकि इसका कलर बिल्कुल रेड हो जैसे मार्केट में होता है, बट ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैं यहाँ पे फूड कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ। यहाँ मैंने लिया है 2 कप मैदा, इसमें ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच नमक, साथ ही में ऐड कर देंगे 1/2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें घी, आप घी की जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है हल्का गुनगुना पानी और इसका हम अच्छा सा एक डो बना लेंगे हल्का हल्का पानी ऐड करके। ये देखिए, और इसे हम अब कंटिन्यूअसली नीट करेंगे 4 से 5 मिनट तक इस तरह से। ये देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है, बहुत ही अच्छा स्मूथ सा डो बना है। इसके ऊपर से हम लगा लेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसे अब हम ढक कर रख देंगे 1/2 घंटे के लिए। यहाँ पे मैंने 3 प्याज को इस तरह से कट कर लिया था और इसे मैंने 2 से 3 बार पानी में अच्छे से धो लिया। इसमें ऐड करेंगे मैं 1/4 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच ऐड करेंगे फ्रेश लेमन जूस, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें थोड़ा ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो। ये अच्छे से मिक्स हो गया। इसे अब हम ढककर फ्रिज में रख देंगे, जब हम अपना एग रोल बनाएंगे तब हम फ्रिज से निकाल के इसे यूज़ करेंगे। अगर इसे हम फ्रिज में नहीं रखेंगे तो सॉल्ट इसमें जो डला है उसकी वजह से हमारा प्याज से बहुत सारा वाटर रिलीज हो जाएगा और प्याज सॉफ्ट हो जाएगा। तो अगर आप रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना चाहते तो इसे जस्ट बनाने यूज़ करने से पहले बनाएं। पैन में हम यहाँ डाल देंगे 1 टेबल स्पून ऑयल और इसमें ऐड कर देंगे हम अपने मैरिनेटेड चिकन को। इसे अब हम कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक कि हमारा चिकन अच्छे से कुक ना हो जाए और जितना भी इसमें वाटर है वो सूख ना जाए, तब तक हम इसे अच्छे से कुक करेंगे चलाते हुए। ये देखिए हमारा चिकन बहुत ही अच्छे से कुक हो चुका है, सॉफ्ट हो गया है चिकन हमारा। गैस को हम ऑफ कर देते हैं। अब इसके बीच में हम रख देंगे एक कटोरी, इस पे एक गर्म कोयला हम डाल देंगे, इसके ऊपर हम डाल देंगे 1 चम्मच ऑयल और ढक देंगे इसे हम, और इसे हम छोड़ देंगे इसी तरह से 10 मिनट के लिए। अब आटा अपना हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए 1 मिनट के लिए वापस से हम नीट कर लेंगे इसे। अपना रोटी हम बेल लेते हैं, थोड़ा मैदा डस्ट कर लेंगे इस पर। थोड़ा सा ऑयल हम लगा देंगे इसके ऊपर और हल्का सा सूखा मैदा डस्ट कर लेंगे, और यहाँ पे सेंटर से हम एक कट लगाएंगे इसमें इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हम इसे रोल कर लेंगे। ये देखिए दबा देंगे इसे इस तरह से हम सारे तैयार कर लेंगे पेड़े अपने। सारा मैंने इस तरह का बनाकर तैयार कर लिया है। अब इसमें से हम एक लेंगे और इसका हम बेल लेंगे रोटी।
इस तरह से हम सारी रोटियों को बेल लेंगे। तवा पे हम यहाँ एक चम्मच ऑयल डाल देंगे, इस पर डाल देंगे अपने रोटी और दोनों साइड से इसे हम पलट कर अच्छे से फ्राई करेंगे। हमारी रोटी बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया और इसमें थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से बीट कर लिया मैंने, इसे इसके ऊपर डाल देंगे। अच्छे से कुक हो गया है, निकाल लेते हैं इसे हम प्लेट में और बाकी की सारी हम चपाती इस तरह से ही तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ एक पराठा लिया है और इस पर हम डाल देंगे अपना बना हुआ चिकन और इसके ऊपर डाल देंगे हम अपने प्याज को जो हमने बना कर रखा था और इसके ऊपर हम डाल देंगे ग्रीन चटनी। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रोल कर लेते हैं इसे। इस तरह और इसके पीछे हम इस तरह से फॉइल लगा देंगे। बाकी की भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो लीजिए हमारा तंदूरी चिकन रोल बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही इजी रेसिपी है, इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए।